में प्रेस वार्ता की है और प्रेस वार्ता के दौरान अशोक सिंह बीजेपी के साथ साथ सपा और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि भाजपा जुमलेबाजों की सरकार है और जौनपुर में भाजपा ने जिसे अपना प्रत्याशी बनाया है उसने मुंबई में उत्तर भारतीयों को छलने का काम किया है और केंद्र की बीजेपी सरकार तानाशाही पर उतारू है, जिसको चाहती है उसे जेल में बंद कर देती है। सपा कांग्रेस पर भी तंज कसते हुए कहा कि ये जो इंडिया गठबंधन है इसमें भी सब भ्रष्टाचारी भरे हुए हैं, जनता सभी को देख चुकी है और इस बार जनता परिवर्तन करेगी। पार्टी बनाए हैं, 26 कैंडिडेट हमने की घोषणा कर दी है, हर कैंडिडेट हमारा लड़ रहा है। हम चाहते तो कहीं से भी लड़ सकते थे, लेकिन नहीं, मुझे मेरा वतन प्यारा है, मुझे मेरा परिवार प्यारा है। हम यहीं से पढ़े लिखे हैं, जौनपुर से, हम यहीं से चुनाव लड़ेंगे और जीत के जाएंगे। तो सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर के लिए मेरा वचन है कि एक अच्छा सा पार्क बनाने का काम करेंगे, 100 यूनिट बिजली गांव वालों को मुफ्त में देने का काम करेंगे, सड़क बनवाने का काम करेंगे, ओवरब्रिज की समस्या है, ट्रैफिक की बात होती है तो उसको बनवाने का काम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, खबर मुजफ्फर